मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 3 महर्षि दयानंद, टाइटल ऑफ महर्षि दयानंद, इनके विषय में पढ़ेंगे। इनका आप पिक्चर्स देख सकते हैं ये। देन भारतीय संस्कृति संसार से पुरातन संस्कृति प्रधानतम पढ़ते, जो भारतीय संस्कृति है संसार में सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है, इनमें प्रमुख है। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में जन्म लिए और हमारी संस्कृति की जो श्रेष्ठता है उसको चरम सीमा तक पहुंचाया। महर्षि दयानंद इनमें से प्रधान उन्नायक थे, ये प्रधान थे। ये अस्मिन पाठे महर्षि दयानंद, इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन परिचय को प्रस्तुत किया जाता है। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी मास द्वादश दिनांक 12 तारीख को 12 तक दिनांक को चतुर्विंशत्युत्तराष्टादशशततमे अर्थात 12/2/1824 चतुर्विंशति 24 अष्टादश 1824 इस समय में हुआ। 12/2/1824 12 फरवरी द्वादश फरवरी को महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका नाम बचपन में मूल शंकर था। ये जब 16 वर्ष के थे तब इनकी भगिनी इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। 3 वर्ष के अनंतर इनके पिता पितृव्यो अर्थात चाचा भी स्वर्गवास को प्राप्त हुए। इस प्रकार के जब घर में अनेक जनेषु विलपन्तु अनेक लोग रो रहे थे, तब इन्होंने विचार किया स्वयं कि कथम अहम अमरो भवेयम, मैं भी कैसे अमर हुआ और मैं कैसे अमर हूं, इसकी चिंता को लेकर के एक दिन मूल शंकर ये जो विवेकानंद जी थे इन्होंने अचानक ही स्वगृह त्याजत अपने घर को त्याग दिया। त्यागने के बाद देश देशांतर घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों की विशेष रूप से योग पद्धति की शिक्षा ली। विचरण के जब सब घूमते हुए नर्मदा के किनारे पहुंचे, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से संन्यास ग्रहण किया। इन्होंने शिक्षा ली तदा ऐसा दयानंद सरस्वती, तभी से इनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ा। इसके बाद मथुरा जाकर के प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी से बहुत सारे शास्त्रों की शिक्षा ली। विद्या समाप्ति के बाद गुरु जी ने बोला, आदेश दिया, वत्स सुनो बालक, देशम आविष्कार, इस देश में बहुत सारी अंधकार हैं, अविद्या रूपी अंधकार हैं, लोग इसमें पड़े जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, आज जाकर के तुम तद कक्षत्वम जाकर के और जो अविद्या रूपी अंधकार है इसको दूर कर दो, आर्ष शास्त्र से उद्धार करके वैदिक ज्योति का पुनः प्रकाश करो। दयानंद गुरु की आज्ञा पा करके शिर में धारण करके और गुरु जी के पैरों में प्रणम आशीष चरणों में आशीर्वाद पैर पढ़ करके आशीर्वाद लेकर के और इस देश में मानव के जो अविद्या रूपी अंधकार था उसको दूर करने के लिए कार्यक्षेत्र में उतर आए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश समाज की उन्नति निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे, पाखंड का उन्मूलन करते रहे, वैदिक धर्म का पुनः संस्था स्थापना की इस संपूर्ण देश में घूम घूम करके, सामाजिक कुप्रथा निवारण किया, आर्य समाज की स्थापना की महर्षि प्रमुख जो काम किए, इसमें से विधवा जो स्त्रियां थी विधवा बालिकाएं उनका दलित वर्ग थे, गवाम गौ माता गाय इनके उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। स्वतंत्रता की भावना भी थी, प्रथम इन्हीं महर्षि में ही इन्हीं ऋषि में भी जागृत हुई थी। नाना प्रकार के दुख आदि भोगते हुए भी फिर भी ये अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। ऐसे महापुरुष की ख्याति सभी जगह व्याप्त है। ये महापुरुष अपेक्षित वेदों का प्रकार है, जो वेद अब गायब होते जा रहे थे जिन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं था, इन महापुरुष ने आकर के विवेकानंद ने आकर के उनके वेदों का प्रचार किया, विशेष प्रकार के संदेश दिए लोगों में, वेदों को पहुंचाया। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संसार, ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि प्रकार के ग्रंथों को इन्होंने रचा। अक्टूबर महीने की 30 तारीख को 83/1883 ईस्वी वर्ष में इन्होंने अपने जो भौतिक शरीर उसको त्याग करके और यश शरीर भगवान के धाम को चले गए। महर्षि दयानंद सत्यस्य से धैर्यस्य, जो महर्षि दयानंद थे वो सत्य की धैर्य की ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य विचरितम् सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणमस्ति, इनका जो चरित्र है भारतीयों को अनुकरण करने योग्य है। ऐसे महात्मा ये विस्मरणीय रहेंगे, ऐसे स्वामी विवेकानंद हमेशा सदैव हम सबके बीच में हृदय में स्मरणीय रहेंगे। ये है विवेकानंद।